गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद चीन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है और इसी क्रम में चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी कर भारत पर कटाक्ष करने की कोशिश की। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट जारी कर एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि नदी में एक मछली कमल के फूल को खा रही है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी समझा जा रहा है कि गलवान घाटी में हार के बाद चीन ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत को कमजोर किया जा सके। इसका ये भी मतलब निकाला जा रहा है कि भारत को कोई और नहीं बल्कि अंदर के जयचंद ही नुकसान पहुँचा सकते हैं। गौरतलब है कि हाल के दिनों में विपक्षी पार्टियाँ खास तौर से राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस चीन के मुद्दे पर बेवजह मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के सभी सवालों का उत्तर देने के बाद भी कांग्रेस को देश के प्रधानमंत्री और सेना पर विश्वास नहीं है। आपको बता दें कि चीन शुरू से ही पीठ पीछे छिपकर वार करने के लिए कुख्यात रहा है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर चीन ने धोखा किया। वहीं अभी हाल ही में गलवान घाटी में चीनी सेना ने वापस लौटने के वायदे के बाद चुपके से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके कई सैनिक मारे गए, जिसका खुलासा करने से भी चीन डर रहा है।